हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बढ़िया होगे। तब जैसे कि दुनिया में जितनी भी कंट्री हैं, सबके अपने अपने रूल होते हैं, कल्चर से रिलेटेड होते हैं या फिर स्पेसिफिक रूल होते हैं, और वो दूसरे कंट्री के लोगों को रूल पता नहीं होते। तो जब दूसरे कंट्री के लोग किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं या फिर किसी और रीजन की वजह से जाते हैं, तो वो उनके रूल फॉलो करना मस्ट हो जाता है। कोई ऑप्शन नहीं रहती, उनके रूल्स फॉलो करना ही पड़ता है। और अगर बाय मिस्टेकली आप उनके रूल्स ब्रेक करते हैं, जो कि उनको कल्चर से रिलेट करती है या फिर किसी और रीजन को रिलेट करती है, तो आपको एम्बेरस फील करना पड़ सकता है। तो ऐसे ही जापान दुनिया से अलग नहीं है। तो जापान में भी ऐसे बहुत से रूल हैं जो कि अगर उनके रूल्स ब्रेक करते हैं, जो कि उनके कल्चर से रिलेट करता है, तो आपको बहुत एम्बेरस फील करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो भी न्यू आता है उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप जापान आते हैं तो आप ये बिल्कुल मत करना जो मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं आपको 10 से 15 बातें ऐसी बताऊंगा जो कि जापान में करने से बहुत ही बुरा माना जाता है, और अगर आप करते हैं तो बहुत एम्बेरस फील होगा आपको, जापानीज लोग बहुत गंदी नजर से भी देखा जा सकता है आपको। तो अगर आप जापान आते हैं, अगर आपको एम्बेरस फील नहीं करना है यहाँ पे, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, जो भी चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और एक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो नंबर 1 पे आता है वो है सबसे पहले कि अगर आप किसी के घर पे जाते हैं, चाहे जापानीज के घर हो या किसी और के घर हो, या फिर आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, या फिर ट्रेडिशनल टाइप के रेस्टोरेंट होते हैं, तो वहां पे जब आप इंटर करते हैं, तो हम वैसे तो हम इंडियन भी करते हैं, जब हम घर के अंदर जाते किसी के, तो अपने जो बाहर के स्लीपर होते हैं, चप्पल, उनको बाहर ही उतार के आते हैं। तो ऐसा ही जापान में है, अगर आप किसी के यहाँ पे जाते हैं रेस्टोरेंट या कॉलेज ऑफिस या फिर कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जो हमारे स्लीपर होते हैं वो गेट पे ही उतारने होते हैं, और उनके एक स्पेशल स्लीपर होते हैं, उनको पहन के अंदर जाना होता है। और जो हमारे स्लीपर होते हैं उनके एक रखने का भी तरीका होता है, आप उनको उल्टे साइड में नहीं, उनको सीधे साइड में रखना होता है। और वो बहुत जरूरी है इसको करना, क्योंकि जापानीज लोग कभी भी अपने बाहर के स्लीपर जो होते हैं, जूते होते हैं, शू वगैरह, उनको बाहर ही उतार के आते हैं। तो ये जरूर ध्यान देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था, तो अपने जब यहाँ पे जापान में लैंड करने के बाद अपने स्कूल में इंटर किया था, तो मैं जूते ऐसे पहनने के अंदर जाने वाला था, लेकिन मुझे अचानक से माइंड में मेरे आया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, तो मैंने बाहर उतारा। तो ऐसे ही आपको बाहर ही उतार के जाना है। और अगर आप अंदर बैठे हुए अगर आप बाथरूम जाना चाहते हैं, तो आप बाथरूम के स्लीपर अलग होती है उसको यूज करें। अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो आप टॉयलेट के स्लीपर यूज करें। आप उनकी जो मतलब आप अंदर स्लीपर पहन के आए हैं, उनको आप बाथरूम में नहीं पहन के जा सकते, टॉयलेट में पहन के नहीं जा सकते, ये जरूर याद रखना। अब जो दूसरा आता है वो होता है, अगर आप कहीं पे जैसे ऑफिस में हैं, अगर आपको वहाँ पे खाना मिलता है, अगर कैफेटेरिया वगैरह है, या फिर आप किसी जापानीज के साथ में कहीं पे बाहर घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना वगैरह खाना जाते हैं, तो जो जैसे कि हम लोग तो ज़्यादातर स्पून यूज करते हैं या फिर वो कांटे वाला चम्मच होता है फोर्क, वो यूज करते हैं। तो अगर आप जैसे कि चावल वगैरह खाते हैं ना, तो हमारी आदत कभी कभी ऐसे होती है कि हम जैसे चावल खाते हैं तो हम चम्मच वगैरह को खड़ा करके उसको वहाँ पे रख देते हैं। तो अगर आप चॉपस्टिक से खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, तो आप उसको कभी भी ऊपर की ओर कभी खड़ा करके मत रखें, क्योंकि यहाँ पे जापान में इसको बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि एक मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। जब यहाँ पे किसी की डेथ होती है ना, तो जो अंतिम संस्कार वगैरह हम लोग भी करते हैं, तो यहाँ पे जब ये किसी के मरने के बाद कभी अंतिम संस्कार वगैरह होता है, तो उस टाइम पे ये जब चावल वगैरह होता है, जो भी रस्में होती होंगी, तो उस टाइम पे ये चॉपस्टिक को ऐसे खड़ी करके रखते हैं। तो ये कभी भी भूल के गलती मत करना, तो ये जरूर ध्यान रखना। अब जो तीसरा आता है जो कि यहाँ पे मेन बोल सकते हो इसको, जैसे कि आप ट्रेवलिंग करते हैं ना, चाहे बस में हो चाहे ट्रेन में हो, तो देखो यहाँ पे सभी लोगों के मोबाइल वाइब्रेशन में होता है, तो हमेशा वाइब्रेशन में रखना। और अगर आपका कभी कॉल आता है तो ट्रेन के अंदर कोशिश करें कि उसको रिसीव ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरा माना जाता है अगर आप लाउडली बात करते हैं, तो कभी फोन पे लाउडली बात ना करें। अगर आप आपस में कोई आप दो चार लोग हैं, कभी लाउडली बात ना करें, क्योंकि ये ट्रेन में बिल्कुल साइलेंट माहौल टाइप का होता है, सब लोग अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, बट किसी से लाउडली बात नहीं करते। हाँ, आजकल की जनरेशन करती भी है, कभी कभी देखने को भी मिलता है, लेकिन हम लोग फॉरेनर होते हैं ना, तो अगर हम जब ऐसी बातें करते हैं या कुछ करते हैं, तो ऐसी नज़र से हमें देखते हैं जैसे कि हमें इनके रूल्स को कुछ पता ही नहीं है, ऐसे बोलेंगे कैसा बंदा है, इसको पता ही नहीं है कि जापान में ये अलाउड नहीं है। तो ट्रेन में तो वैसे वहाँ पे पोस्टर भी लगा होता है कि भाई मोबाइल को आप स्विच ऑफ रखें या वाइब्रेशन में रखें और लाउडली बात ना करें,
तो ये याद रखना, ये बहुत जरूरी बात है। कभी भी मोबाइल को अपने रिंगटोन में मत रखना, वाइब्रेशन में रखना। कभी किसी का फोन आता है आप उसको टाइम दीजिए, बाद में बात कीजिए, पर ट्रेन के अंदर या धीरे से बात कर सकते हैं थोड़े एक दो मिनट के लिए, बट लाउडली बात कभी भी मत करना। अब नंबर चार, अगर आप कभी ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो जो अगर आपके पास अगर कोई कैरी बैग वगैरह है, तो जब आप सीट में बैठते हो, जैसे कि हम लोग बैठते हैं, तो यार ज्यादातर लोग जो जैपनीज होते हैं वो बैठने की कोशिश ही नहीं करते, वो सीट खाली ही रहती है। बट फिर भी कभी भी अपना जो कैरी बैग वगैरह है वो कभी भी एक खाली सीट के ऊपर मत रखना, क्योंकि बहुत एम्बेरसिंग फील कराता है, क्योंकि ये शेयरिंग ज्यादा पसंद करते हैं। बट ये बैठने, अगर बहुत से लोग हैं जो आज के जो जनरेशन है वो सब ये नहीं मानता, और ये तो आपके साथ बैठ सकते हैं, कभी भी अपना कैरी बैग वगैरह सीट में मत रखना। अब अपने लैप में बैठो, आप अपने लैप के ऊपर रख सकते हैं, बट उसके ऊपर कभी भी मत रखना। ये जैपनीज लोगों की बहुत मेजर कंप्लेंट होती है। अब नंबर फाइव, अगर आप कहीं पे बाहर, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर आप जैसे ट्रेवलिंग के लिए अगर आप टिकट लेने परचेज करने जा रहे हैं, या फिर और भी बहुत सी जगह है जहां पे मतलब कि क्यू जो होता है लाइन उसमें खड़ा होना पड़ता है, ये कभी भी ब्रेक मत करना, क्योंकि जैपनीज लोग इतने मतलब कि इस रूल्स को फॉलो करते हैं, जो पहले आता है वो पहले जाता है। तो इसलिए कभी भी कहीं पे भी आप जाते हैं, तो आप जैसे कि जल्दबाजी में भी कभी कभी होता है कि हम जल्दबाजी में लाइन पे लगने की कोशिश करते हैं, तो आप एक बार अपने बैग में देख लें कि कोई पहले से तो खड़ा नहीं है। तो कभी भी लाइन, कभी भी क्यू ब्रेक मत करना। और यहाँ पे देखने में तो यार लगेगा कि आपको बहुत लंबी लाइन है, लेकिन तुरंत काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई लाइन ब्रेक नहीं करता, जो पहले आता है उसी का पहले काम होता है। गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में जाने, कहीं पे भी जाना, तो ये रूल्स ब्रेक मत करना, इस बात को जरूर याद रखना, कभी भी लाइन को ब्रेक मत करना। अब नंबर छह पे जो आता है, तो देखो वैसे तो हम इंडियन ऐसे कभी पब्लिक प्लेस में कभी नहीं करते, बट अगर आप कभी घूमने वगैरह जाते हैं, अगर आप कपल हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो भी है, तो अगर आप कभी घूमने जाते हैं, तो देखो जापान तो ऐसे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता है और ये बिल्कुल ओपन माइंडली होते हैं, इनको किसी कौन क्या कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं जो कि बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, बट एक चीज यहाँ पे मैंने देखी है कि जब भी किसी कपल्स को मैं देखता हूँ तो हैंड वगैरह पकड़ के तो साथ में चलता है, बट कभी किसी को किसिंग करते हुए यहाँ पे नहीं देखा। यहाँ तक तो देखो साथ में कपल होते हैं, बैठे होते हैं, बट तब भी वो मास्क लगा के बैठे होते हैं। तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आप कहीं पे बाहर घूमने जा रहे हैं, तो कभी किसी को तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने पार्टनर को कभी भी पब्लिक प्लेस में कभी भी किस मत करना, क्योंकि ये थोड़ा सा इनको अजीब फील कराता है, अजीब लगता है, तो कभी भी मत करना, नहीं तो इससे भी आपको एम्बेरस फील करना पड़ सकता है। नंबर सात में वो है वॉकिंग और ईटिंग। जैसे कि यार हम लोग फॉरनर आते हैं ना, तो हमारे बहुत बिजी लाइफ होती है, जैसे हमें कॉलेज जाना होता है, गांव को जाना होता है, और काम पे भी जाना होता है, तो कभी कभी हम कोशिश करते हैं कि यार खाना बनाने के टाइम वगैरह नहीं होता, तो हम साथ में या तो मॉर्निंग में बना के लेके जाते हैं, या फिर हम बेंतो वगैरह खरीद के खाते हैं। तो वो खाना अगर आप बेंतो वगैरह लेते हैं कहीं पे, तो अगर कन्वीनियंस स्टोर से लेते हैं, तो कोशिश करें कि आप वहाँ पे, बहुत से कन्वीनियंस स्टोर होते हैं, वहाँ पे बैठ के खाने के लिए प्लेस होते हैं, तो वहाँ पे आप खाइए। क्योंकि जैपनीज लोग कभी भी बाहर मतलब कि वॉकिंग के ड्यूरिंग में कभी खाना नहीं खाते, पर हम लोगों को कभी कभी खाना पड़ सकता है, टाइम ना होने की वजह से। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि यार इनके एक कल्चर के खिलाफ है कि कभी भी खाने को चलते हुए नहीं खाना चाहिए, या तो आप एक जगह खड़े होकर खा लें या फिर बैठ के खा लें, कहीं पर भी खा लें, बट चलते चलते कभी भी खाना मत खाएं। इनके ये कल्चर के खिलाफ है, कल्चर के अगेंस्ट है, इनको अच्छा नहीं लगता। अगर आप इनके कल्चर को ब्रेक करते हो तो इनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप खाना खाएं, कहीं पे बैठ के खाएं, या फिर आप खड़े होके खा लें कहीं पे रुक के, या फिर बैठ के खाएं, बट चलते हुए कभी भी खाने को मत खाना। तो अब जो नंबर आठ में आता है, वैसे तो यार हर जगह सेम यही रूल है, इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, कि अगर जो जब आप एक्सीलेटर का यूज करते हो ना, जो सीढ़ियों वाली लिफ्ट होती है, अगर उसके यूज करते हो, तो एक जो लेफ्ट साइड होता है वो खड़े होने की जगह होती है, जो राइट साइड होता है वो दौड़ने वालों के लिए जगह होती है, जिसको बहुत ज्यादा जल्दी होती है, तो वो दौड़ के निकलता है। तो एक बार मेरे एक जैपनीज टीचर था, वो बोल भी रहा था कि यार जो एक्सीलेटर होती है, कि वो उसमें खड़े होके चले जाए दौड़ने के लिए, तो बगल में सीढ़ियां बनी होती है, उससे क्यों नहीं जाते लोग, तो इतनी भी जल्दी पड़ी होती लोगों को। लेकिन क्या करें, हर जगह यही है, सबको भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में बिजी लाइफ है। तो अगर आप कभी भी यार लिफ्ट यूज करते हैं सीढ़ियों वाले, तो उसको हमेशा आप, अगर आपको खड़े होना है तो आप हमेशा लेफ्ट साइड में खड़े हों, और राइट साइड में कभी मत खड़े हो, क्योंकि वो जो जिनको बहुत जल्दी भाई, तो वहां से वो निकलेंगे। तो इसलिए कभी
राइट साइड में मत खड़े होना, नहीं तो वो उनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है और हमारे लिए भी, अगर हम भी दौड़ना चाहेंगे मान लो जाना चाहते हैं, अगर कोई खड़ा है तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा अगर आपको खड़े होकर जाना है तो लेफ्ट साइड में, अगर आपको दौड़ना है तो आप राइट साइड से जा सकते हैं। अब नंबर 9 पे जो आता है वो आता है लाउड नॉइज एट नाइट। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर जैपनीज लोग ना जो भी पार्टी पुर्टी करना होता है तो बहुत जल्दी पार्टी पुर्टी करके खत्म कर लेते हैं, या फिर कपड़े कुपड़े अगर जैसे धोना होता है ना, तो यहाँ पे तो एक रूल भी है कि आप 10 बजे के बाद वॉशिंग मशीन को चला नहीं सकते। ये हमें स्कूल में जब मैं आया था तब भी बताया गया था कि आप 10 बजे के बाद वॉशिंग मशीन को कभी भी यूज़ मत करना। अगर आप सफाई उफाई करते तो वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ आती है तो वो भी मत यूज़ करना। है छोटी छोटी चीज़ें लेकिन अब रूल्स है, क्या करोगे, कोई ऑप्शन नहीं बचती। और जैसे कि यार कभी कभी हमारा भाई बर्थडे भी आता है, हमें पार्टी करने का भी मन करता है, हमारा आता है बर्थडे या हमारे यार फ्रेंड का आता है तो पार्टी करने का मूड करता है, तो पार्टी वार्टी कर सकते हो नो डाउट, बट लाउडली मत करो। वैसे तो यार यहाँ के घर भी लकड़ी के होते हैं तो आप अगर आप अपने रूम पे पार्टी करते हो तो 4 रूम जो और होंगे उनको भी सुनाई देगा, ऊपर नीचे जहाँ भी रहते सबको पता लग जाता है। कोशिश करें कि ज़्यादा नॉइज ना करें। और जहाँ पे मैं पहले रहता तो वहाँ पे भी आसपास जैपनीज रहते थे तो कभी आवाज़ सुनी नहीं, हम ही लोग करते थे 2-4 बार तो पुलिस वालों को इन्होंने कॉल करके बुला लिया, यहाँ पे भी 1-2 बार पुलिस आ चुकी। तो ये हमेशा याद रखें कि अगर आपको पार्टी पोर्टी करनी है तो आप टाइम से पहले 9-10 बजे पहले ख़त्म कर लें, या फिर कहीं पे आप बीच वगैरह में जा सकते हैं वहाँ पे आप पार्टी पुर्टी कर सकते हैं, बट रूम पे कभी मत करें क्योंकि इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इनको शांत माहौल चाहिए होता है। तो ये बात को भी जरूर याद रख सकते हैं आप ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पुलिस वगैरह आ जाते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी फेस करना पड़ता है। तो कभी भी नाइट में लाउडली कुछ भी मत करना, ठीक है। अब नंबर 10 पे जो आता है वो आता है वेयरिंग ए ब्लैक टाई। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं, चाहे आपका वो स्कूल का फंक्शन हो या फिर आपको कोई जैपनीज इनवाइट करता है अपने फंक्शन में, या फिर कहीं और पे आप किसी पार्टी पोर्टी में जाते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे बहुत से होते रहते हैं, तो अगर आप कहीं पे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में अगर आप जाते हैं तो कभी भी आप ब्लैक टाई का यूज कभी भी मत करना। क्योंकि यार देखो वेस्टर्न कल्चर में माना जाता है कि जो ब्लैक टाई होती है जब किसी की डेथ वगैरह होती है, जब हम किसी की डेथ के फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे यूज की जाती है, तो ये ब्लैक टाई कभी भी यूज मत करना। ज़्यादातर तो ब्लू टाई और यूज की जाती है चेक टाइप में जो होती है तो वो यूज करें। एक बार हमारे स्कूल में ऐसे ही फंक्शन था जो होता है कि फेयरवेल पार्टी थी, तो वहाँ पे एक लड़का था वो ब्लैक टाई पहन के चला गया, तो उसके एक टीचर ने उसको बोला फिर कि ब्लैक टाई यहाँ पे अलाउ नहीं है और इसको चेंज करके आओ। तो उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता लगा कि क्यों बोल रहे हैं, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया, खुरापाती है मैं, मुझे कुछ भी होता है मैं हमेशा रिसर्च मारता हूँ, तो किया तो फिर बाद में पता लगा। तो यहाँ पे ये चीज़, ये वेस्टर्न कल्चर ये भी फॉलो करते हैं, तो ये कभी भी कहीं पे भी जाते हैं आप तो ब्लैक टाई का यूज मत करना, बाकी आप कलरफुल टाई कोई भी यूज कर सकते हैं, तो इसको भी याद रखना। अब जो नंबर 11 पे है ये, अगर आप कहीं पे खाना खाने जाते किसी के जैपनीज के साथ में, तो जैसे कि खाना खाते खाते मान लीजिए पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया आपने, तो आप जैसे कि शेयरिंग में खा रहे हैं, वैसे तो हमेशा अलग अलग ही ऑर्डर होता है, बट अगर कभी आप शेयरिंग में खा रहे हैं जो कि एक ऑर्डर किया 3-4 लोग खा रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें जो लास्ट का पीस बचता है वो हमेशा कोशिश करेंगे शेयरिंग करके खाएं, क्योंकि अगर आप शेयर करके खाते हैं ना तो जैपनीज को बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने खुद फील किया, मैंने जैपनीज के साथ जैसे मैं घूमता फिरता रहता हूँ तो मैंने, मुझे ये पता तो नहीं था बट ये मुझे ऐसा लगा कि नहीं ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं एक बार ऐसे गया था एक जैपनीज फ्रेंड के साथ, हम 3 लोग थे, एक लड़की थी 2 लड़के थे, तो मैं और एक लड़का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में, तो हम लोग ऐसे ही पिज्जा ऑर्डर करके खा रहे थे साथ में, तो जो उन्होंने खाया और जो लास्ट पीस वो मेरा ही रह गया था, तो मैंने फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके उनको ज़बरदस्ती दिया। फिर उन्होंने मुझे इस बात को बताया कि यहाँ पे अगर जापान में अगर आप ऐसे करते ना तो आपको बहुत अच्छी नज़र से देखा जाता है, आपको बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर आप कभी भी किसी के साथ खाना पीना खाना जाते तो वो लास्ट का पीस हमेशा शेयरिंग में खाएं, तो आपको अच्छा फील हो सकता है। जो नंबर 12 पे आता है ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है और भी कंट्री में होता है, कि अगर आप यहाँ पे टिपिंग जो होती है ना, टिपिंग अलाउ नहीं है। अगर आप कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाना जाते हैं ना तो कभी भी वेटर को टिप मत देना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ मानी जाती है, बहुत ज़्यादा एम्बेरेस होता है, तो कभी भी किसी को आप टिप ऑफर मत करना, यहाँ पे बिल्कुल मना है टिपिंग वगैरह का, क्योंकि हम इंडिया में होता है तो वेटर भी है, जो वेटर की जॉब करते हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि यार हम किसी को अगर ऑर्डर सर्व करते हैं तो हमें टिपिंग मिले, तो वहाँ पे तो हमारे इंडिया जहाँ पे चलता है वहाँ पे ठीक है, बट ये जापान में बिल्कुल रूल्स के अगेंस्ट है। यहाँ पे कभी भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं
तो कभी भी किसी को टिप ऑफर मत करना, नहीं तो अगर आपको एम्बेरस फील करना पड़ सकता है, तो इस बात को भी हमेशा याद में रख। तो लास्ट में आती है 13 नंबर की, अगर आप कभी किसी से बिजनेस से रिलेटेड मिलने जाते हैं या आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, स्ट्रेंजर्स मीन्स कि आप बिजनेस से रिलेटेड ही समझो, अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप कोशिश करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो चलता है, बट अगर आप यहाँ पे वर्क वीजा वगैरह में रहते हैं या आप किसी बिजनेस को हैंडल करते हैं तो हमेशा आपके पास एक तो विजिटिंग कार्ड होना चाहिए आपका। और विजिटिंग कार्ड जब किसी को आप देते हैं, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमेशा मतलब कि आपको ऐसे दो हाथों से उस विजिटिंग कार्ड को आपको दूसरे जो आपका नेक्स्ट पर्सन है फ्रंट में उसको देना होता है, और अपने आप को विजिटिंग कार्ड के देने के साथ साथ आपको आपको इंट्रोड्यूस करना होता है आपको। तो हमेशा जब भी विजिटिंग कार्ड आप किसी को देते हैं तो आप दोनों हैंड्स के यूज करके आप उसको दें, एक हाथ से कभी भी विजिटिंग कार्ड मत पकड़ें, क्योंकि ये यहाँ पे जापान पे ऐसा नहीं चलता, तो हम इस बात को याद रखना। और अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड वगैरह नहीं है तो आप ऐसे ही आप जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप विजिटिंग कार्ड को देख के उनसे बात करें, उनके नाम के साथ में मिस्टर या जो सान जैपनीज में लगाते हो वो लगा के बात करें तो अच्छा होगा। कभी भी उनके कार्ड को आप होल्ड करके नीचे या बैग में कभी भी मत रखना जब तक आपकी कन्वर्सेशन चलती है। तो यार ये थी कुछ 10-12 थिंग्स जो कि आप जापान में नहीं कर सकते, अगर आप करते तो थोड़ा सा आपको एम्बैरेस फील हो सकता है, और जो कुछ चीज़ें बताई जो आप कर सकते हैं तो आपको अच्छा माना जा सकता है। तो ये चीज़ें यार जो फॉरेनर आते हैं जब स्टार्टिंग में तो ये चीज़ें पता नहीं होती, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे ऐसे ही कुछ मिस्टेक हो जाती है जो कि एम्बैरेस फील करना पड़ता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताया ताकि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को एम्बैरेस ना फील हो। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। अगर आपका कोई भी जापान से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप मुझे इंस्टा में या फिर इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।